Hi guys, welcome back to my channel. Colleges mein new session start ho gaye, so I am doing college freshers makeup tutorial. सबसे पहले मैं आई मेकअप स्टार्ट करूंगी, उसके लिए मैंने लिया है मेबलिन फिट मी कंसीलर इन द शेड मीडियम। उसके बाद एक बफिंग ब्रश से कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं कंसीलर को सेट करूंगी और उसके लिए मैं ले रही हूँ मेबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट इन द शेड शेल। ये मैंने ब्यूटी ग्लेज्ड आई शेडो पैलेट लिया है, इससे मैं वायलेट आई शेडो को लेकर अपनी दोनों आईलेट्स पर पैक कर रही हूँ। फिर मैं सेम ब्रश की ऑपोजिट साइड से आई शेडो को क्रीज में ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं लैक्मे आइकॉनिक काजल इन द शेड ब्लैक को एज अ आईलाइनर लगा रही हूँ। उसके बाद पेंसिल ब्रश की हेल्प से काजल को बैक एंड फोर्थ मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ। ऐसा करने से ग्रेडियंट इफेक्ट क्रिएट होगा। अब मैं फेस को प्राइम करूंगी किस ब्यूटी प्राइमर से। फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन फ्लोरिना फाउंडेशन इन द शेड सैफ्रॉन ग्लो। पुनः स्टोर ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को स्प्रेड करके ब्लेंड कर रही हूँ। फिर मैं सेम कंसीलर से फेस के डार्क सर्कल्स और बाकी पार्ट्स को कंसील करूंगी। सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ। इस केयर सेथ लूज पाउडर से मैं अपने फेस को बेक करूंगी। लूज पाउडर को फेस पर 3 से 4 मिनट रखना है, तब तक मैं आईब्रो बनाऊंगी। आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मिस्क्लेयर आईब्रो पेंसिल इन द शेड ब्राउन। इससे मैं हेयर लाइक स्ट्रोक्स में आईब्रोज फिल करूंगी। पेंसिल में दिए हुए ब्रश से मैं आईब्रोज को कॉम कर रही हूँ। उसके बाद मैं पुनः स्टोर के फ्लफी ब्रश से अपने फेस के लूज पाउडर को रिमूव कर रही हूँ। लैक्मे आइकॉनिक काजल को वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ।
वॉलेट आई शेडो को पेंसिल ब्रश से लेकर मैं अपनी लोअर लैश लाइन में स्मच कर रही हूँ। इसेंस आई लव एक्सट्रीम मस्कारा से मैं अपनी लैशेस को कर्ल कर रही हूँ। मैं मार्स से लाइट पिंक शेड ले रही हूँ, इसे मैं चीक पर अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ। मेकअप रेवोल्यूशन हाइलाइटर से मैं फेस के हाईएस्ट पॉइंट को हाईलाइट करूँगी। अब मैंने ब्रश स्विच किया है, फिर मैं पेंसिल ब्रश से ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। L18 कलर पॉप्स मैट लिपस्टिक इन द शेड बेरी डांस को मैं लिप्स पर अप्लाई कर रही हूँ। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ADS मेकअप फिक्सर। I really hope you guys enjoyed watching this tutorial. So please like, share and subscribe to my channel.